सो गाइज, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स थे स्टूडियो मास्टर की एम्पलीफायर से रिलेटेड कि भाई स्टूडियो मास्टर की एम्पलीफायर कैसी है, क्या प्राइस रेंज रहने वाली है। तो उस पर ही सोचा क्यों ना कि एक पूरा इस पर वीडियो बना लिया जाए जिसमें हम स्टूडियो मास्टर के ऑल सीरीज़ की एम्पलीफायर का प्राइस के साथ में आपको बताएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो से शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये प्राइस है वो डीजे एक्सपो के दौरान जो थी वो रहने वाली है। करंटली प्राइस इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है और उसके अलावा ये इसकी एमआरपी प्राइस है, तो आपको इस प्राइस से आपको डिस्काउंट ही मिलेगा, इससे ऊपर रेट नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी ए सीरीज़ की एम्पलीफायर की। सो गाइस, पी ए सीरीज़ की एम्पलीफायर काफ़ी फेमस है लाइव और डीजे दोनों के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और स्टूडियो मास्टर की ये सबसे ट्रस्टेड एम्पलीफायर रहती हैं। इसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीफायर की बात करें तो 7,500 वाट की रहती है और इसमें मिनिमम है वो 1500 वाट की एम्पलीफायर रहती है। और यहाँ पर आप इन एम्पलीफायर की प्राइस भी देख सकते हो। हालांकि इस एम्पलीफायर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान दें तो इतना इसके अंदर हमें स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती है, लेकिन एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस बेस्ट है, यानी इनके हम बोल सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड मान सकते हैं। ये सबसे पुरानी एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स वाले एम्पलीफायर है। इनका आप यहाँ सभी का बैक पैनल भी देख सकते हो जिसमें यहाँ पर आपको इसके इनपुट और आउटपुट के सेक्शन प्लस यहाँ पर इसकी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। हर एम्पलीफायर के अंदर यहाँ पर क्रॉस ओवर का ऑप्शन दिया गया है जो बेस लाइक एम्पलीफायर है। 4500 की बात करें, 6000 की या फिर 7500 की बात करें। उसके बाद आती है हमारी XPA जो स्टूडियो मास्टर की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एम्पलीफायर बोल सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्ट, स्पीकर प्रोटेक्शन और लिमिटर वगैरह सब डीसी फ्यूज सारे के सारे ध्यान में रखते हुए एडवांस एम्पलीफायर की बात करें तो स्टूडियो मास्टर की ये सबसे बेटर रहती है। इसके अंदर 3 मॉडल है, XPA 30, 40 और 60, जिसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस देख सकते हो। स्पेसिफिकेशन के लिए आप इसके वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। फिर इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ आपको बैक पैनल देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर के बैक पैनल में आपको बेंडिंग बोर्ड भी मिल जाता है जिसका आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। और यही हमारी स्टूडियो मास्टर की सबसे न्यू सीरीज़ है। उसके बाद बात करते हैं RX सीरीज़। ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी एम्पलीफायर है, हालांकि पॉपुलरिटी में इतना यूज नहीं किया जाता है। RX सीरीज़ के 2 मॉडल है, RX 5020 और 7020। एम्पलीफायर का लुकिंग काफ़ी शानदार जो 3U की साइज़ में देखने को मिल जाती है। ये भी एम्पलीफायर काफ़ी एडवांस क्वालिटी वाली रहती है और यहाँ पर आप इन दोनों एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन और प्राइस ये देख सकते हो। फिर आती है DJ सीरीज जो स्टूडियो मास्टर की सबसे ज़्यादा DJ लाइन में यूज़ की जाने वाली एम्पलीफायर हैं। इस सीरीज़ की एम्पलीफायर भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि पी सीरीज़ के मुकाबले इतना इसका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहता है जितना पी का है, लेकिन ये एम्पलीफायर है बेस के लिए काफ़ी अच्छी एम्पलीफायर है। इसके अंदर सुपर वंस का भी ऑप्शन मिलता है हमें और यहाँ पर आपको इसके अंदर 800 वाट से लगा करके 6000 वाट तक के एम्पलीफायर मिल जाते हैं जो सभी पी पावर एम्पलीफायर है, स्टीरियो एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर एक खास ये भी है कि हर एम्पलीफायर के अंदर आपको बेस बूस्ट का ऑप्शन और क्रॉस ओवर का सिस्टम मिल जाता है, चाहे वो 2500 वाट की क्यों ना हो। यहाँ पर आप इनकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस देख सकते हो।